तो वीडियो तो आपने देख ही लिया है। तो इंस्टाग्राम रील्स पे भी कुछ इस तरह का लाइटिंग वाला वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस तरह का आपको ब्लीडिंग वाला इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप अलग अलग कलर भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह का आपको येलो, वाइट, रेड काफ़ी सारे आपको कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सर आपको कलर कैसे ऐड करना है और इस तरह का ब्लीडिंग वाला इफेक्ट भी कैसे यूज करना है आज की इस वीडियो में आपको पूरा एडिटिंग में आपको बताने वाला हूँ, वो भी सिंपल तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी एन एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ, तो आपको भी वी एन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और प्लस में चले जाना है और यहाँ से आपको वीडियो भी ऐड कर लेना है। तो इस तरह का आपको एक वीडियो शूट कर लेना होगा, देख सकते हैं इस तरह का आपको ट्यूबलाइट वाला एक वीडियो शूट कर लेना और वीडियो शूट करने में तो आपको वीडियो अभी ऐड कर लेना और पीछे का आपको ब्लैक वाला वीडियो डिलीट कर लेना और यहाँ से आपको रील्स वाला साइज भी एडजस्ट कर लेना और इसका म्यूजिक है तो यहाँ पर हमें म्यूजिक भी ऑफ करने वाले हैं या फिर मैं किसी और म्यूजिक का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ऑफ़ कर लिया और यहाँ पर मैं ऑडियो में जाके इसका म्यूजिक भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो आपको प्लस में जाके यहाँ पर आपको एक्सट्रेड और वीडियो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना और वीडियो को एक्सट्रेड कर लेना जो भी सॉन्ग में आपको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बीट मार्क किया हूँ, यहाँ पर बीट के हिसाब से मैं यहाँ पर ब्लीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लिया और सॉन्ग भी ऐड कर लिया। अभी यहाँ पर मैं पहले इस तरह का आपको कलर ग्रेडिंग कैसे ऐड किया जाता है अलग अलग कलर, तो ये मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद आपको इस तरह का ब्लीडिंग कैसे ऐड किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए पहले इस तरह का कलर ग्रेडिंग कैसे ऐड किया जाता है जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक कर लेना है और PNG आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरह का आपको काफ़ी सारा कलर का आपको PNG चाहिए यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करने के लिए, तो ये सारा आपको PNG मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो डाउनलोड कर लेना है और वीडियो में आपको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये पिंक वाला PNG ऐड कर लिया और इसे आप दो तीन तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहले तो आपको पूरा वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बस इसे रोटेट कर लेना है और इधर आपको स्लाइड कर लेना और फिल कर लेना और ब्लीडिंग में जाके यहाँ पर आपको कोई भी एक दे देना है आपको जो वाला अच्छा लगे, या डार्क या फिर स्किन जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। यहाँ पर डार्क करने से काफ़ी अच्छा लग रहा, तो इस तरह का आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको वीडियो देख सकते हैं इस तरह का आपको बन जाएगा और लेयर को आपको फुल कर लेना है। और एक तरीका है यहाँ पर मास्क पे चले जाना है और अगर आपको सिर्फ लाइटिंग में यहाँ पर आपको इस तरह का कलर ग्रेडिंग एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आपको मास्क पे जाने के बाद आपको ये राउंड वाला आपको देखने को मिलेगा सेम, तो इसे आपको बस यहाँ पर लाइटिंग में आपको लेके चले जाना है इस तरह का, बस आपको लाइटिंग में यहाँ पर आपको लेके चले जाना है और यहाँ पर मैं इसे ये वाला एरो आपको देखने को मिलेगा तो इसे आपको इस तरह का फूल कर लेना। तो ये इस तरह का आपको हल्का सा शेडो जैसा आपको देखने को मिलेगा, आपके ऊपर भी इस तरह का शेडो आएगा तो ये काफ़ी रियलिस्टिक जैसा आपको फील देखने को मिलेगा, तो इसे यूज कर लेना और इस तरह का आप देख सकते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर आप अलग अलग कलर कैसे ऐड कर सकते हैं तो मैं आपको चलिए बताते हैं कैसे आप अलग अलग कलर भी ऐड कर सकते हैं और इसका आपको ओपेसिटी भी कम करना होगा। तो इसका देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी यहाँ पर डार्क टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आपको ओपेसिटी कम कर लेना और आपने यहाँ पर कलर के हिसाब से ओपेसिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करीब यहाँ पर 50 कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी PNG यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये येलो कर लिया, तो इस तरह काफ़ी सारा PNG रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो डुप्लीकेट करने के बाद आपको ये वाला लेयर को आपको नीचे लाना है और इसे आपको दूर में नहीं रखना है। यहाँ पर अगर आपको एक ही जैसे आपको दूर दूर यहाँ पर एडजस्ट करना है कलर तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सामने में इस तरह का कलर एक ही बार कलर चेंज होते हुए आपको दिखाना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का लेयर के ऊपर आपको कलर ऐड करना होगा और यहाँ पर आपको रिफ्लेश कर लेना है और फोटो में चले जाना है और यहाँ पर मैं पिंक वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इधर मैं यहाँ पर स्लाइड करके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया और इस तरह आपको देख सकते हैं लेयर के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट है, ऊपर एक है और नीचे एक है। तो यहाँ पर आपको दूर दूर आपको नहीं करना है, यहाँ पर फिर से मैं रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर मैं फ़ोटो फिर से यहाँ पर मैं रेड वाला भी कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग तो ऐड हो चुका है, अभी यहाँ पर इस तरह का ब्लीडिंग वाला इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लीडिंग वाला इफेक्ट यूज करने के लिए अगर आप एक ही कलर यूज करना चाहते हैं तो एक ही कलर को आपको यहाँ पर आपको कट करना होगा क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए कैसे आपको करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट में चले जाने और यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाला आपको ब्लैक वाला इफेक्ट इस तरह का आपको लेयर को फुल कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट यहाँ पर इतना दूर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और इससे आगे और इफेक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे कट करना है PNG को और फिर से आपको दूसरा PNG उसी को डुप्लीकेट करके ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मैं साइज़ के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हूँ और कलर भी चेंज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर आपको करना कि यहाँ पर आपको मोशन अभी चले जाना है, यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ तरीके से कलर चेंज होते हुए आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मैं मोशन में चला गया और फेड इन वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इसे आपको एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर मैं 50 पे इसे रहने देते हैं और इसे भी आपको फेड इन कर लेना और इसे भी आपको 50 कर लेना और ऑल पे आपको सेलेक्ट कर लेना। तो ये सारा वीडियो में आपको लग जाएगा, काफ़ी स्मूथ तरीके से यहाँ पर कलर चेंज होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर आपको पहले वाला आपको जो वीडियो देख PNG देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको फेड इन वाला यहाँ से आपको रिमूव कर लेना। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो चुका है और अगर आपको इस तरह का ब्लीडिंग वाला इफेक्ट भी लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर में एक ब्लीडिंग वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बीट के हिसाब से एडजस्ट होता है, तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कट वाइज कर लेना जहाँ पर आपको ब्लीडिंग वाला इफेक्ट लगाना है। तो देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर कट कर लेना है और यहाँ पर मैं फिर से कट कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको कट कर लेना है और जो जहाँ पर आपको बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है ब्लीडिंग वाला, तो यहाँ पर आपको फिर से ब्लीडिंग में चले जाना और वाइट वाला आपको सेलेक्ट करके इसे आपको इस तरह का टिक कर लेना और यहाँ पर मैं ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ बीट के हिसाब से लगा लेना है, यहाँ पर मैं ऑल पे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा वीडियो को पूरा एडिट करके चलिए अभी फुल स्क्रीन में आपको दिखाते हैं कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा एडिटिंग मैं आपको बता दिया, आपको बस यहाँ पर एडिटिंग कर लेना है और सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर देख जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कुछ इसी तरह का ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अभी वीडियो देख लेते हैं।